ये देखिए गाइस, तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और अभी 9 बज चुके हैं, तो हम आज चल रहे हैं श्योपुर के किले में घूमने के लिए। तो चलते हैं श्योपुर के किले में और मैं दिखाता हूँ आपको कि वहाँ सब कुछ कैसा है। तो हम आ चुके हैं अब किले पर, और इसका जो गेट है, एंट्रेंस गेट, वो कुछ इस प्रकार है। मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए गाइस, तो हम दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या क्या है, वो उसके बारे में बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। ये इसका फर्स्ट एंट्रेंस गेट है, इसके अंदर चलते हैं हम। अभी यहाँ से किला चालू हो चुका है, थोड़ी जाके आकर एक और गेट है, फिर उसके अंदर से हम किले के अंदर जाएंगे। यह लिखा हुआ है किला प्रवेश द्वार। तो अब चलते हैं हम। सही तो यहाँ से चालू है भाई, यह है किले का प्रवेश द्वार। यार धूप की वजह से शायद ही नहीं दिख रहा होगा। चलो थोड़ा चलते हैं हम अंदर। अब पीछे को ले ही सर, नहीं पीछे को भी डाल लो यार, आता हूँ तो जाना सही। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको किला, ऐसा एक बार सही से दिखा देता हूँ। तो इसका जो मेन एंट्रेंस गेट है वो ऐसा दिखता है। तो हम इसके अंदर जा रहे हैं, तो इसके अंदर से ऐसा दिखता है। यहाँ पर गार्ड बैठते हैं, अभी है नहीं कोई। तो हम आ चुके हैं अभी किले के अंदर, और यहाँ पर कुछ ऐसे बाहर है वो पुरातत्व मूर्तियाँ लगी हुई है, ये खंडित भी हो चुकी है। तो हम और अंदर चलते हैं, देखते हैं। सही है यार, ओ ये जाने क्या है यहाँ पर। यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, पता नहीं किसी मूर्ति है उस दरवाजे पर। किधर चलना है भाई? बस बहुत सही लग रहा है यार यहाँ पर। तो गोविंद बताओ कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है आपका? थर्ड टाइम भाई, मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले सुना था सिर्फ इसके बारे में, इसका थर्ड टाइम है, फिर भी इसको नहीं पता था। किधर चलना भाई? और अभी हम जा रहे हैं ऊपर, यहाँ पर छतरिया बनी हुई है, मैं दिखा देता हूँ आपको। चलो अंदर चलते हैं। हाँ बहुत छोटी है भाई, बहुत छोटी है मेरे लिए। मैं ना टकरा ही जाऊं इनसे। तो नीचा होके निकलते हैं। यहां से कुछ ऐसा दिखता है फ्रेंड्स, यहां से पूरा व्यू दिखता है, यहां से देखते होंगे यहाँ के सैनिक वगैरह। ये बाहर का सरफेस पूरा, छतरी वतरी यहाँ लगी हुई है। यार राजा लोगों के ठाट होते थे नहीं? ये छत है यहाँ की, मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ पूरा व्यू एक बार। बहुत सही है भाई, तो हम चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे कुछ है अच्छा सा, यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है, भैया सफाई कर रहे हैं वो।
चल तो नीचे यहाँ पर ऊपर जा सकते भैया, शूज यहीं खोलेंगे। यहाँ पर कुछ ये यहाँ पर चरण हैं, वहां पर भी सामने है ना, उस पर भी ऐसा ही चरण है यार। यहाँ ये सब हाथों से बनाए गए थे, क्या ही सही है यार, बहुत मस्त डिजाइन बनी हुई है ये बगीचा। ये बगीचा है और अब हम अभी चलते हैं इधर की साइड, देखते हैं उधर क्या है। मैं तो चलते चलते थक ही गया भाई, इधर क्या है। ओ भाई ये बहुत सही है यार, मैं दिखाता हूँ आपको, ये पीछे का जो है ना वो बहुत ही सही है यार, पीछे वाला मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही सही है यार। ये बगीचा टाइप है, पार्क है क्या ये, देखो गाइस ये बहुत सही लगा मेरे को। सामने का ये जो इंटरफेस है ये मुझे बहुत ही मस्त लगा, मुझे पता नहीं आपको कैमरे में समझ आएगा कि नहीं, लेकिन रियलिस्टिक में ये बहुत ही शानदार है। हम इसके अंदर चलने की कोशिश करते, देखता है एंट्रेंस है या नहीं वहाँ पर, आइए चलते इसके अंदर। तो गाइस ये है रानी महल और आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, राजा इंद्र सिंह और द्वितीय द्वारा निर्मित रानी महल राजपूत स्थापत्य कला का अनुपम नमूना है। यह महल अंदर से चित्रित है तथा आंगन में दीवारों पर विभिन्न मुद्राओं में गुजरियां बनी हैं, जिसके कारण इसे गुजरी महल भी कहा जाता है। इसके छत और अंदर की जालियां लकड़ी से बनी हैं। महल के बाहरी भाग में राजपूताना शैली के जालीदारों के बनाए गए हैं। इनकी खासियत यह है कि इनसे रानियां बाहर देख सकती थी पर बाहर से उन्हें कोई नहीं देख पाता था। रानी का महल है, जो यहाँ के राजा थे उनकी वो रानी थी, वो यहाँ रहती थी। हम इसको अंदर से देखने की कोशिश करते हैं। जो रानी महल का एंट्रेंस गेट है और फाइनली हम एंटर कर चुके हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से। और एक और गेट भाई, बहुत छोटे गेट है यार यहाँ के, यार रानी महल, ये रानी महल है, कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर रानियाँ रहती थी। पेंटिंग वेंटिंग वगैरह खा गए जो बाहर लिखा हुआ था, ये क्या है भाई, ये पता नहीं क्या था, अभी तो कचरा डला हुआ है यहाँ पर। तो ये बरामदा टाइप है, यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई है, ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रही होगी कैमरे में, बहुत ही सही है यार। यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ हैं वो बनी हुई हैं, ऊपर कबूतर और डरावना तो नहीं है यार, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगा। यहाँ का पहले मैं राजा था। गोविंद ऐसा ना कर भाई, कहीं राजा आए कि तेरे को चाटे ही चाटे मारे, वैसे रानी का महल है। तो अब आप देख सकते हैं सही से रानी महल। तो हमने देखा कि रानी महल कैसा दिखता है, अभी तक तो बहुत ही बंजर सा हो चुका है, अभी इतना मज़ा आया नहीं है यहाँ पर अंदर, रानी महल के अंदर।
स्कूटी से चलो ऊपर छत पर उठे नदी दिखाऊंगा हमारा किला हमारी विरासत। सही है भाई, मेरी विरासत मतलब मेरी विरासत। इसी की विरासत देखा है क्या सकल तूने अपने? देख रखी है, अभी देख ही तो रहा हूँ कैमरे में। देख ही रहा है, यहाँ पर बहुत सारे कबूतर है गाइस। ये छतरिया टाइप कुछ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर छतरिया टाइप कुछ आप देख सकते हैं, बहुत ही सही है यार। इसी में रहते थे क्या राजा रानी? हाँ मैं इसी में ही तो रहता था। अरे जाबे चिलगोजे। वो मेरा कुत्ता सो रहा है। तो अब आगे चलते हैं। दरवाजे बहुत छोटे हैं भाई यहाँ पर। यार धूप की वजह से कुछ ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं हो रही भाई। ये यार क्या ही बताऊँ मैं आपको, आप देख सकते हैं धूप की वजह से दिखने ना। मैं दिखाता हूँ अभी, ये देखिए गाइस, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है ऊपर से। वो पुल बन रहा, अभी इसका काम चालू है, पूरा बन के रेडी हुआ नहीं है। ये नीचे मंदिर है, बहुत ही सही लग रहा है भाई मेरे को यार। और ये यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है उसी की तरह है। हम देखते हैं आगे। रानी महल बहुत बड़ा है, धूप आ रही है भाई मुझे। रानी महल बहुत बड़ा है गाइस, ये इंटरफेस तो आप देख ही चुके हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, देख सकते हैं आप, बहुत ही सही है यार। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, और ये जो देख रहे हैं ना आप, मैं दिखाता हूँ आपको, ये है नरसिंह महल। ये नरसिंह महल है, ये नरसिंह जी का महल है, आप देख सकते हैं नरसिंह महल को। मैं दिखाता हूँ आपको नरसिंह महल। तो गाइस ये नरसिंह महल है, आप देख सकते हैं बाहर से नरसिंह महल कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ लिख रखा है नरसिंह महल, नरसिंह महल का निर्माण राजा नरसिंह गौड़ ने करवाया था, आप पढ़ सकते हैं इसे पूरे को। और ये पीछे से ऐसा दिखता है, सारा दिखता है भाई शोपुर यहाँ से। यह राम मंदिर, ये तो देख लिया था, ये राम मंदिर है गाइस, अयोध्या वाला नहीं सोपुर वाला। तो गाइस आपने देखा पूरा यहाँ का शोपुर का किला महल, हमने आपको सब दिखाया। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।